Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. शोर मचाया हुआ है तुम लोगों ने। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ये क्या बात हुई, मैं बस जीतने ही वाली थी ना। छोड़ो हेलेना, अब उदास मत हो। वो देखो स्नोई, वो क्या कर रहा है। गाने ने तो मुझे पहले से बहुत बेहतर कर दिया है, काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक कहा, मेरा प्यारा ट्रिस्टी वीपिंग विलो का बेटा है। बहुत साल पहले की बात है, फैंटेसी फॉरेस्ट के दरिया किनारे एक वीपिंग विलो था। फैंटेसी फॉरेस्ट के सभी बाशिंदे उसके पास सुकून हासिल करने आते थे। वो उसकी शाखों पे बैठते थे, अपना दुख बांटते थे और वो भी उनके साथ गम में शामिल होती और वो फौरन ही बेहतर महसूस करने लगते। फिर एक दिन इंसान उस जगह पर आ पहुंचे। उन्होंने बस्ती बनाने के लिए दरख्त काटने शुरू कर दिए। जंगल में रहने वालों को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा। सब फैंटेसी फॉग अपने बादशाह के साथ वीपिंग वैलो के पास आए। कुछ के घर जो दरख्तों पे बने थे वो काट डाले, घोंसले तबाह कर दिए गए। जंगलों में रहने वालों की मुश्किलात में इजाफा हुआ और जल्द ही विलो फॉरेस्ट के बाशिंदों के गम में इस कदर इजाफा हुआ कि उस गम से कोइन के मैजिक लीव्स एक एक करके झड़ने लगे। उन लीव्स में से बबल्स नमूदार हुए, फिर वो बबल्स उस मुकाम पे जा पहुंचे जहां इंसान बेरहमी से जंगल को काट रहे थे। फिर उन बबल्स ने इंसानों को जकड़ लिया और गहरी नींद सुला दिया। जंगल के लोग खुशी मनाने लगे कि अब उनके घर, दरख्त और जंगल को नुकसान पहुंचाने वाला
कोई नहीं बचा था। पूरे जंगल में सिर्फ एक चूहा था जिसने इंसानों पर तरस खाया और मेरे पास आया इंसानों की मदद का कहने और सूरत हाल से आगाह करने। और जब मैंने वहां जाके उन्हें देखा तो मैंने उससे कहा इन्हें ऐसे ही रहने दो जब तक इन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। फिर सब जंगल में रहने वाले एक साथ बैठे और एक फैसला किया जिसने सब में इत्तेफाक किया कि अगर ये लोग जंगल को नुकसान ना पहुंचाए तो हम इन्हें कुछ जगह दे सकते हैं। और उसके बाद हमने इंसानों को आजाद कर दिया। इंसानों ने अपनी गलती को तस्लीम किया और हमारी तजवीज पर इत्तेफाक किया। जंगल में जल्द ही एक अजीम शहर बन गया। हम सब ने उसे मिलकर बनाया। इस तरह हमने अपनी दोस्ती कायम की। हमने उस शहर का नाम फैगल्टन रखा ताकि इंसानों और फैंटेसी ड्यूलर्स के बीच में अमन कायम रह सके। फिर हमने जश्न मनाने के लिए एक फेस्टिवल अरेंज किया। फेस्टिवल में बबल्स एक छोटे से बीस्ट में तब्दील हो गए। देखो प्यारा है ना? जबरदस्त, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्रिस्टी। हमें तुम्हारे पेरेंट्स को ट्रस्टी के बारे में बताना होगा। इसकी कहानी इतनी अच्छी है कि उस पर किताब लिखी जा सकती है। बहुत अच्छा ख्याल है। ओह मेरी प्यारी ग्रैनी, कैसी हैं आप? क्या और स्ट्रॉबेरीज के साथ रेसबेरी? जबरदस्त, आहा हम जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ रुको, इतनी भी जल्दी नहीं। हेलेना क्या बात है? बताने का वक्त नहीं। हाँ, ट्रिस्टी को ग्रैनी के पाइस बहुत पसंद है, मुझे उसे रोकना होगा। रुक जाओ, हेलेना चलो गर्ल्स जल्दी करो। गाइस रुक जाओ, मैं भी आ रही हूँ, मुझे भी खाने हैं। कहाँ जा रहे हो? रुको मैं भी आ रहा हूँ। चलो स्टाइल चेंज करते हैं। नहीं ये कुछ ज्यादा लग रहा है। और ये कैसा है? वैलेरी हम डांस के लिए लेट हो जाएंगे अगर तुम यही करती रही। हेलेना डांसिंग में सबसे जरूरी क्या है? डांस फ्लोर टाइम पे पहुंचना सबसे जरूरी। आपको अच्छा लगना है और हमें बस इसी चीज की तो जरूरत है। हाँ लेकिन किसी चीज की तो कमी है। सच कहूँ तो बस इसी की कमी थी। थैंक यू स्नोई। वैसे तुम क्यों बैठी हुई हो? आ जाओ अगर लेट नहीं होना तो। गर्ल्स, क्या तुम लोगों के पास मेरा मैजिक हार्प है? हमारी उस पर गहरी नजर है। क्यों? क्या कुछ हुआ है? हाँ हुआ है। हमारे किंग वॉक करने के लिए गए और उन पर एक ड्रैगन ने हमला कर दिया। वो किंग के सर से चमकता हुआ उनका ताज छीनना चाहता था। और परेशानी की बात अब यह है कि ड्रैगन उन्हें लेकर उड़ गया है। हमारी आखिरी उम्मीद ड्रैगन को मैजिक हार्प के जरिए सुलाना है और किंग और उनके ताज को हर सूरत वापस लाना होगा। ये काम तो सिर्फ फैंटेसी पेट्रोल ही कर सकते हैं। पेट्रोल तुम आ गए। शाबाश गर्ल्स, वो रहे वो। ये तो पहले ही बहुत गहरी नींद सो रहे हैं। खामोश, हम किंग को लेकर वहां से जाएंगे। हम अभी डांस पार्टी पर पहुंच सकते हैं। ये क्या हुआ? ये ताज मेरा है, कोई हाथ ना लगाए इसे। गर्ल्स भागो यहाँ से। सब अपने काम बंद करो। हार्प, हार्प,
हाथ में तो बहुत ही पावर है। अच्छे खासे ड्रैगन को सुला दिया। तुम्हें ये कहाँ से मिला? इसके पीछे भी एक कहानी है, और से सुनो। म्यूजिशियन बनने का शौक मुझे बचपन से ही था, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरी परफॉर्मेंस क्यों पसंद नहीं आती थी। इसको बजाने के लिए सीखना पड़ता है, लेकिन मैं शॉर्टकट लेना चाहता था। और फिर एक दिन मुझे पता चला एक विज़र्ड का, जो ख्वाहिशात पूरी करता है अगर उसकी अच्छे से खिदमत की जाए। मैं उसके पास गया और कहा कि मुझे एक ऐसा मैजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे किसी के लिए भी एक जगह खड़ा रहना नामुमकिन हो जाए। विज़र्ड ने मुझे मेरा पहला काम दिया। उसने कहा कि पहाड़ पर जाऊं जहां पर रॉक पड़ रहती है और वहां से उसका एक पर लेकर आऊं। तो मैं उस पहाड़ पर चढ़ा। पहले मैंने उस बर्ड को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो नामुमकिन साबित हुआ। मैं मायूस हो गया, पर फिर मुझे एक पर नजर आया। मैं उसे विज़र्ड के पास ले गया और मैं इस बात से बहुत खुश था कि विज़र्ड ने जो मुझे टास्क दिया वो मैंने पूरा कर दिया है। लेकिन मैं नाकाम रहा, क्योंकि वो पर था ही नहीं जिसकी विज़र्ड को जरूरत थी। विज़र्ड ने अपना सर हिलाया और मेरे काम को तस्लीम कर लिया। अगला काम पड़ोसी टाउन जाकर विज़र्ड के लिए नई मैजिक स्टिक लानी थी मैजिक मास्टर से। मैंने मैजिक स्टिक ली और वापसी पर एक ऐसी मक्खी मिली जिससे मैं अपनी जान छुड़वा ही नहीं पा रहा था। उसने मेरी नाक पर बैठकर मेरी नाक को टमाटर बना दिया और उससे जान छुड़ाने के चक्कर में वो मैजिक स्टिक बीच में से टूट गई। विज़र्ड इस बात पर बहुत नाराज था। मैंने विज़र्ड से कहा कि टूटी हुई मैजिक स्टिक से भी काम किया जा सकता है। विज़र्ड ने कुछ नहीं कहा और अगला काम दे दिया, कीड़ों से छुटकारा हासिल करना जो मैजिक आर्टिफैक्ट्स को काटकर खराब कर रहे थे। फिर अचानक मेरे जहन में एक आइडिया आया और इस दफा मैंने पूरी मेहनत से सारे कीड़े एक ही बारी में मिटा दिए। पर मुझसे कुछ ज्यादा ही हो गया था, जिसकी वजह से विज़र्ड को बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, इसलिए अब मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दो। बहुत देर तक सोचने के बाद विज़र्ड मान गए और अपने वादे के मुताबिक विज़र्ड ने मुझे एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट दिया। पर पता ये चला कि वो हार्प लोगों को सुलाने के अलावा कुछ भी नहीं करता। मैं विज़र्ड के पास वापस आया तो उन्होंने कहा, वेल, तुमने पूछा तो सही था कि किसी ऐसी चीज के लिए जो लोगों के लिए नामुमकिन कर देगी खड़ा रहना। तो कोई भी खड़ा नहीं और इस तरह मेरा काम भी हो गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था और आगे का तुम लोगों को तो पता ही है। तब से मैंने हर काम बहुत संजीदगी से किया है, बगैर जल्दी या शोर मचाए। और देखो, मैं अभी भी डीजे पैनल सीख रहा हूँ। ए, मेरा ताज कहाँ गया? ओहो, सर पर ही है। ये ड्रैगन कहाँ गया? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है गर्ल्स, लेकिन हम डांस के लिए लेट हो चुके हैं। डांस? आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं मैजेस्टी की बाहिफाजत वापसी का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी का ऐलान करता हूँ। चलो शुरू हो जाओ। Hey, 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 hey.